बिरयानी। आइए नाजर से रुख करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल दक्षिण थाना के बाबा मंदिर के पास बुध की देर रात खुफिया इत्तला के मुताबिक पुलिस ने छापा मारकर एक आर्म्स, दो कारतूस, दो मोटरसाइकिल समेत चार लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। दानिश अजीज ने सहाफियों को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आसनसोल नॉर्थ में हमारी लड़ाई बीजेपी से। उन्होंने बगैर नाम लिए इशारों में ही साबिक वजीर को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए बुनियादी मैं आसनसोल से शुरुआत कर रहा हूँ तो बेशक है कि आसनसोल के बारे में ज्यादा बोलना बेहतर रहेगा। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि आज हम लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से बिलोंग करता था, ठीक है। तो मैं उससे ही दो चार आप लोगों का बात बोलना चाहता हूँ। काजी नजरुल स्टूडेंट यूनियन हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। आज वहाँ पे 160 पोर्टफोलियो खाली है, माने रिक्रूटमेंट के। आप बाहर देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में कितने लोग हमारे अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बाहर है लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है। काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी नाम तो ज़रूर है सर, लेकिन वो काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के पीछे क्या है वो कोई नहीं देख रहा है सर। वो मैंने बहुत करीब से फील किया है इसलिए मैं आज यहाँ पे आके। अच्छा, एमआईएम के बारे में कहा जाता है जी सर कि ये बीजेपी के एजेंट और बीजेपी की फंडिंग से चल रही है पार्टी, तो इसको और ऐसा कुछ कैलकुलेशन भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी कहीं पर मैंने बीजेपी के मैंने बहुत पीस बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, देखिए सर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अगर पार्ट बी बीजेपी की पार्ट बी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, मैं उनको उनकी बातों का शुक्रगुजार करते हुए आप सबको माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। जो पार्ट बी या पार्ट सी बोलते हैं ना उनका फैक्टर है, ठीक है। हमने तो टेंडर लेके नहीं रखा है कि हमको सीपीएम को जिताना था। इससे पहले 35 साल यही माइनॉरिटीज़ ने 35 साल सीपीएम को जिताया। आज यही माइनॉरिटीज़ ने लास्ट 10 ईयर्स से तृणमूल कांग्रेस का भार संभाले हुए। अभी इस इलेक्शन में भी मुद्दा यही है, टीएमसी को बचाना है, मुसलमान टीएमसी को बचाना है, माइनॉरिटीज टीएमसी को बचाएगी। मतलब क्या है इसका, माने हम लोग वोट बैंक समझ के यूज़ होते रहे। आज आप एक बात बताइए सर, आसनसोल रेल पार क्षेत्र का ही मैं बात बोल रहा हूँ, कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस मिला है सर? कितने लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं? कितने लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घूमते हैं? आज आए दिन रेल पार में अनएजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एडुकेशन नहीं है, और स्कूल्स है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है लेकिन टीचर्स नहीं है। आप बताइए बगल में ही फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बगल में ही एजी चर्च आती है, कॉलेजिएट आती है, ये सब स्कूल हाजी कदम रसूल हाई स्कूल जो है उसके बाद आई थी, उसके बाद इनकी बुनियादें डाली गई थी ना। आज हाजी कदम रसूल स्कूल बन नहीं रहा, आपका एजी चर्च बन जा रहा है, दिल्ली DPS बन जा रहा है, सब कुछ बन जा रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा सर? इन्हीं बुनियादों को लेकर स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए, ठीक है, हम रेल पार से गरीबी क्यों नहीं मिटा पा रहे? आए दिन हम रेल पार से गरीबी क्यों नहीं मिटा पा रहे? इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग उतरे हैं सर, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में कुछ हो चाहे ना हो सर, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करके जगह पे तो जरूर लाएंगे रेल पार। तो आप आपको क्या लगता है कि TMC जो नेता है मुसलमानों को अपनी तरफ रखने के लिए बीजेपी का एक अहोमा दिखाते हैं? देखिए सर मैं ये किसी के खिलाफ या किसी के लिए नहीं बोलने बैठा हूँ, मैं अपने लिए बोलने बैठा हूँ सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बात रही भाजपा की और TMC की, तो जहाँ तक मेरा मानना था, मेरा मेन छोड़ने का TMC रीज़न यही है, भाजपा हो गई टीम ए सेंट्रल में, TMC हो गई टीम बी, ठीक है। आज देखिए तृणमूल कांग्रेस के ढेर सारे नेता यहाँ से निकल कर उधर चले गए, तो इसका मुख्य रीज़न क्या है सर? आज भी TMC फिर यही कर रही है, उधर BJP भी वही कर रही है। तो हम लोग जिनको वोट दे रहे हैं अपने रहनुमा समझ कर, क्या गारंटी है कल दिन वो BJP में नहीं जाएंगे? हम जिनको अपना रहनुमा बना रहे हैं कल दिन क्या गारंटी? आप देखिए, आप मीडिया कर्मियों भी समझ रहे हैं मैं जिनको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता फिर भी मैं उनको बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम जिनको अपना रहनुमा बना रहे हैं
क्या गारंटी है कि कल दिन वो बीजेपी में ना जाए या कोई और पार्टी में नहीं जाए? एक मिसाल है, बेशक है, एक मिसाल मैं भी हूँ। चुनाव में ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वजीर आला हार रही हैं। इस मौके पर शिवसेना के अभिषेक सिंह की कयादत में कई कारकुनान बीजेपी में शामिल हुए। शिवराम बर्मन, दिग्विजय सिंह खासतौर से मौजूद थे। आर शिवसेना बोले कोनो दलेर अस्तित्व अंतत आसामसोल पश्चिम बर्धमान जिला रही भारत माता की जय। অন্তত আসানসোল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় রইল। ভারত মাতা কি জয়! ভারত মাতা কি জয়! এরপরে তৃণমূল 29 তারিখের পরে চিত হয়ে শুতে পারবে না, আমি গ্যারান্টি দিয়ে গেলাম। এখন মুখ্যমন্ত্রী তো এমন পেঁচে পড়েছেন, নাতে আমার নাম নিচ্ছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে কি দুর্ভাগ্যের অবস্থার মধ্যে আছে। गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्धमान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाए। हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम इसराइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल, तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन सपना। इसराइल, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760-2923। चिकन 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 फ्रेश चिकन, कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बनपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बनपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबंकी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। निगा सिटी रेसिडेंसी में आज साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर आईसीडीएस के कई मुलाजमों ने शिवली चैटर्जी की कयादत में बीजेपी का झंडा थामा। शिवली चैटर्जी ने कहा कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती उन्हें धमकियां दे रहे हैं। হুমকি ধমকি সেরকম কিছু আসছে? হুমকি ধমকি মানে আসুন আমার সঙ্গে দেখা করুন, এখানে আসুন, আপনি আমাদের সঙ্গে ঘুরুন, দলে যোগ দেন, এইসব মানে কে দিচ্ছেন এই জিনিস, এই কথা কে বলছেন? নয়ন চক্রবর্তী আর বীর বাহাদুর। তো এক প্রকার অশান্তির ভয়ে আপনারা বিজেপিতে এলেন এবং জিতেন্দ্র তিওয়ারির হাত ধরলেন? মানে আমরা আপনার পাশে আছি, আই দেখি তো আর হ্যাঁ, লেকিন হাম তো নহি চাহতে হ্যায়, মানে কোই ভি ইয়ে কিউ ইয়ে করনে কি জরুরত ক্যা, লোকতন্ত্র মে ইসকি জরুরত ক্যা, কিউ আপ হাম গুলি চালায়ে, जिसको लग मरेगा वो भी मेरा अपना पंडेसर का होगा, जो मारेगा वो भी पंडेसर का होगा, क्यों ये करेंगे? हम आपके माध्यम से भी उनसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज ये लड़ाई बंद कीजिए, बम गोली की लड़ाई बंद कीजिए, इसमें हम आपसे हार मान चुके हैं, हम आपसे लड़ेंगे ही नहीं, हम आपसे सकेंगे भी नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई में आइए, हम लोग लड़ते हैं, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे, जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा, ये तो सिंपल बात है। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक, अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल आदा।
सायुनी घोष को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाए। संयुक्त मोर्चा के हिमायती आईएसएफ के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाए।